अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। एज ऑलवेज अगर आपको जो है ये न्यू टॉपिक देखना है तो आप बुशराज कोचिंग ही देखेंगे। तो चलिए, जो न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो पुराने हैं वो लाइक और शेयर प्रेस करना ना भूलिएगा। इन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन बताइए कि आपको मेरी वीडियोज कैसी लगती है और आप मुझे कब से फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए, आज है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का लीनियर इक्वेशन। हमने पढ़ा कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होता है, मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, डिटरमिनेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आपने कर लिए होंगे भाई। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, ठीक है। अब मुझे नंबर नहीं आता, इसलिए नंबर नहीं बोल रही होता है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो हमारी आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक लीनियर सिस्टम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, और यहाँ पर मैंने लिखा है विद वन सॉल्यूशन, ठीक है ना। सो हम इसके बारे में भी देखेंगे कि भाई एक लीनियर इक्वेशन विद वन सॉल्यूशन क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग बुक की एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने लीनियर सिस्टम लिख दिया है। सो सबसे पहले जो है हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि भाई ये वन सॉल्यूशन क्या होता है। वन सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो लाइन है हमारी ग्राफ में वो एग्जैक्ट वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। तो अगर आप यहाँ पर बुक का पेज नंबर, ये कौन सा है, यस पेज नंबर 4 अगर आप देखें तो आपको जो है बहुत ही सही तरीके से पता चल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है जिस ग्राफ में जो है इंटरसेक्ट हो रही है हमारे पास दो लाइंस, वो भी एक पॉइंट पे। तो ये एक पॉइंट पे हमारे पास इंटरसेक्ट हो रही है, यानी ये वन सॉल्यूशन का क्या है, हमारे पास वन सॉल्यूशन का सिस्टम है, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग जो है ये वाला देखेंगे, ये सॉल्व करेंगे एंड देन जो है हमें इसके बारे में पता चल जाएगा कि ये जो है हमारे पास वन सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वन सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि इंटरसेक्ट होती है इस लाइन एक एक जगह पे, ठीक है ना, सेम जगह पे जो है इंटरसेक्ट होने को वन सॉल्यूशन बोला जाता है। तो चलिए अब देखेंगे, इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि ये सिस्टम जो है हमारे पास सॉल्व कैसे होता है। तो बुक में यहाँ पर हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से जो है इसको सॉल्व किया गया है। तो चलिए हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और देखेंगे कि ये सिस्टम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो स्टेप 1 हमारे पास जो है अलाइन द इक्वेशंस होगा, ठीक है ना। स्टेप 1 मैं स्टेप से चलूंगी ताकि आपको पता चले कि हम क्या क्या करेंगे, तो फिर ये क्या होता है, इजी हो जाता है एक तरह से जब स्टेप्स में चले ना। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग एलिमेंट, एक एलिमेंट को जो है वो एलिमिनेट कर देंगे, एक वेरिएबल को, या तो x को एलिमिनेट कर दीजिए या तो y को एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। किस तरह से करेंगे चलिए ये देखते हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 होप कि आपने जो है वो नोट डाउन किया होगा। नाउ स्टेप 2 की तरफ चलेंगे, ठीक है। स्टेप 2 है हमारे पास एलिमिनेट वन वेरिएबल। अब आपकी मर्जी, आप कोई भी वेरिएबल एक्स या वाई, जो दोनों में से कोई एक आपको इजी लगे, आपने उसको एलिमिनेट कर देना है। अब एलिमिनेट किस तरह से करते हैं, एलिमिनेट के लिए हम जो है या तो जो है प्लस करते हैं दोनों इक्वेशंस को, या तो माइनस करते हैं, ठीक है। और बाद में हम और भी चीज़ें करते हैं, जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं और डिवीज़न करते हैं, ठीक है ना। सो इस तरह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल तो जो है बिगनिंग चल रही है, तो हम लोग ईजी चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि इक्वेशन ईजी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। सो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x माइनस वाई। इक्वेशन 2 क्या थी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस 6। अच्छा, राइट हैंड साइड में ऐड होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने दोनों को ऐड कर दिया, ओपन अप करेंगे इसको, ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब देखिए माइनस इंटू प्लस कैंसिल हो गया, यानी y को हमने एलिमिनेट कर दिया, ये होगा x प्लस 2x इक्वल टू 7। ऐड कर दीजिए इसको, 3x इक्वल टू 7, और इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 7/3, ठीक है। और हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब x की वैल्यू को आप या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें या तो इक्वेशन 2 में पुट कर दें, आंसर विल बी द सेम। ज़्यादातर जो है हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में ऐड करते हैं बिकॉज वो इजी होती है। तो आपको जो भी इजी लगे आप उसमें ऐड कर दीजिए इसको। तो चलिए मैं इसको ऐड करती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि है हमारे पास स्टेप 3।
substitute the value of x in equation 1 और 2, आपकी अपनी मर्जी, हम 1 में ऐड करेंगे। तो 1 क्या था, x माइनस y इक्वल टू 1 था, x की जगह हम लिखेंगे 7/3 माइनस y इक्वल टू 1, हम लिख सकते हैं इसको माइनस y इक्वल टू 1 माइनस 7/3, और हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं 3/3 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा माइनस 4/3, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू माइनस 4/3, नॉट माइनस, ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर दिया ना। तो नाउ हमारे पास दो वैल्यूज जो है वो फाइंड हो गई हैं, ठीक है। कौन सी वैल्यूज, x और y की। तो चलिए यहाँ पर इसको लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं स्टेप 4 या फिर स्टेप 3 में ही आप चले, ठीक है ना। तो हम स्टेप 4 कर देंगे इसको। तो स्टेप 4 हमारे पास वैल्यूज जो है वो दोनों की फाइंड हो गई है। राइट द फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो थी हमारे पास 7/3, ठीक है, और y की वैल्यू क्या थी, 4/3, वो माइनस और माइनस जो है वो कट गया, ठीक है। सो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई है, और ये दो वैल्यूज है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन। और ये तो था बुक का मेथड, अब इसी को हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, तो चलिए इसको उससे भी सॉल्व कर लेते हैं, ताकि जो है किसी को कन्फ्यूजन ना हो, और जो है सबको पता हो कि भाई एक मेथड नहीं होता, दो मेथड भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगेन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है ये होगी, और इक्वेशन नंबर 2 एज जो कि हमारे पास पहले से थी, ठीक है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, के इक्वेशन 1 जो भी सिंपल सी इक्वेशन होती है उससे हम एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे इक्वेशन 1 से हम लोग ले लेंगे x की वैल्यू, ठीक है। इसको x की फॉर्म में आप लिख दें, तो ये हो जाएगा 1 + y, ठीक है ना, ये हमारे पास बन गई किस चीज़ की, x की वैल्यू। अब इसको अगर आप पुट कर दें इन इक्वेशन 2 में, ठीक है, x की जगह, तो ये हो जाएगा 2 1 + y + y = 6। तो ये होल इक्वेशन क्या हो गई, y की फॉर्म में आ गई। अब आप यहाँ से y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, बट आप कोई भी मेथड यूज़ करें, आंसर विल बी द सेम। अगर आंसर डिफरेंट होगा मतलब आपने कोई गड़बड़ की है, उसको दुरुस्त कर दीजिए, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 + 2y + y = 6। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस फॉर y, तो 2 जो है वो इस साइड पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3y = 6। 6 से 2 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई 4/3। अगेन सेम वैल्यू, अगर आप देखें, अब इस y की वैल्यू जो हमने फाइंड की है, इसको आपने फिर से पुट कर देना है इन कोई भी इक्वेशन में, आप पुट कर सकते हैं y की वैल्यू को, ठीक है ना। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं और इसमें भी पुट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी। बट अगर आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पर x वैसे ही अलग सा है। तो चलिए 4/3 को हम लोग अब पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 3 में, ये इक्वेशन नंबर 3 ले लें आप, तो हो जाएगा x इक्वल टू 1 + y की वैल्यू क्या है, 4/3। इसको ऐड करेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 7/3, एंड दैट्स ऑल, हमारी सेम आंसर आ गया है y = 4/3 और x = 7/3। होप कि सबको समझ आ गई होगी भाई किस तरह से हम जो है फाइंड करते हैं वैल्यूज को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एन अदर मैथड। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।